हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें आज फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट बाई लायम ऑफ फ्लाहर्टी एंड द सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट ब्लैक एरोप्लेन बाई फ्रेडरिक फॉरेस्ट। सो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट फ्लाइट का। His first flight, the first part of the story. Before you read, since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. Yani earliest times se hi jo insaan hai, unhone ek sapna dekha hai, and that is about conquering the skies. Conquer ka matlab hota hai jeet hasil kar lena. To insano ne hamesha hi aasman ko jeetne ka ख्वाब सजोया है, सपना देखा है। एंड हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर दो स्टोरीज इसी फ्लाइंग के ऊपर दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। व्हाट इज सीगल? जैसे ईगल होता है ना, वैसे ही समुद्री ईगल होता है शीगल, ठीक है, एक बर्ड है समुद्री चिड़िया। तो उसी के फ्लाइंग के बारे में, उसकी फर्स्ट फ्लाइंग के बारे में ये कहानी है जो फर्स्ट पार्ट है हमारा। एंड यंग सीगल यानी छोटी सी चिड़िया जो है अभी अभी अंडे से बाहर आकर वो उड़ना सीख रही है। हाउ डज ही कंक्योर हिज फियर, उसने अपने डर के ऊपर जीत कैसे हासिल की, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट इज अबाउट अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। सेकेंड जो स्टोरी है वो एक पायलट के बारे में है जो कि स्टॉर्म ऑफ क्लाउड यानी कि बादलों के एक तूफान में फंस जाता है, तो क्या वो सेफली अराइव करता है, पहुंच पाता है अपनी डेस्टिनेशन पर, और कौन उसकी मदद करता है, ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट को। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज कहते हैं क्लिफ को, है ना, लेज मतलब कोई भी किनारा हो सकता है, बट क्लिफ चट्टान के किनारे को कहते हैं। तो लेज का मतलब यहाँ पर दिया भी हुआ है कि अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। यहाँ पे क्लिफ के बारे में, क्लिफ के लेज के बारे में बात की जा रही है। तो जो यंग सीगल है, छोटा सा चिड़िया, सीगल का बच्चा अंडे से बाहर निकला है और उसके पंख आ गए हैं, अब उसको उड़ने का टाइम आ चुका है, बट वो अकेला है उस क्लिफ पर। क्यों अकेला है? His two brothers and his sister had already flown away the day before. यहाँ पर उसके siblings के बारे में बताया गया है कि दो भाई हैं उसके और एक बहन है, और वो लोग already flown मतलब already उड़ चुके हैं, flown away और the day before यानी एक दिन पहले। He had been afraid to fly with them और वो उस समय उनके साथ उड़ने के लिए डर गया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, He became afraid. कैसे भी करके उसने भी कुछ थोड़ी सी दौड़ लगाई थी, लिटिल रन फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ दौड़ करके, और तब वो किनारे के बाहर जाकर दौड़ना उड़ना चाहता था, लेकिन ब्रिंक का मतलब किनारा होता है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे ही उसने अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश की, अटैम्प्ट किया, वो डर गया, became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath. बताया गया है कि उसके जो क्लिफ था उसके ठीक नीचे तक, great expanse बहुत बड़े दूर में फैला हुआ वो ओशियन, वो समुद्र, उसके उस क्लिफ के ठीक नीचे तक फैला हुआ, स्ट्रेच करके यानी खींच करके नीचे तक आ रहा था, यानी उस क्लिफ के नीचे सीधे पानी ही था और कुछ नहीं था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वहाँ से नीचे तक बहुत लंबा नीचे यानी कि गहराई बहुत ज़्यादा थी, माइल्स डाउन, मीलों की दूरी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। उसको ये पूर्ण विश्वास हुआ, उसने महसूस किया कि उसके जो पंख है ना वो कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करने वाले, और इसलिए उसने क्या किया, बेंट हिज हेड, अपने सर को मोड़ लिया और रैन अवे बैक, पीछे की ओर भाग आया, यानी उल्टे कदम भागा। वो कहाँ गया? लिटिल होल, जहाँ वो छोटे से एक होल में जहाँ रहता था, उस क्लिप के ऊपर एक छोटा सा होल था जिसमें वो रात को सोया करता था, वहीं भाग गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. कह रहा है कि जबकि उसके जो छोटे भाई और एक बहन थी, उनके जो विंग्स थे पंख, वो उससे बहुत छोटे थे, far shorter than his own, उसके अपने विंग्स से बहुत बहुत ज़्यादा छोटे, ran to the brink, वो भी ब्रिंक की ओर भागे, दौड़े, flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाया एंड
दे फ्लू अवे, वहाँ से वो उड़ गए. ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेरेट. उन लोगों के उड़ जाने के बाद ये फेल कर गया या असमर्थ हो गया करेज को मस्टर अप करने में. मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो साहस इकट्ठा करने में ये फेल हो गया जो कि लग रहा था. वो साहस क्यों लग रहा था? छलांग लेने में. प्लंग, प्लंग का मतलब होता है छलांग लेने में. तो वो साहस की ज़रूरत उसको थी एक छलांग लेने के लिए, जो कि अपीयर टू हिम सो डिस्पेरेट, इसके लिए एक बिल्कुल पागलपन सा था ये, है ना. मतलब इतना साहस इकट्ठा करके छलांग लगाना, इसको ऐसा लग रहा था कि ये पागलपन है, बेवकूफ़ी है. सो बेसिकली इस यंग सीगल को वहाँ से छलांग लगाना सुइसाइड जैसा प्रिटेंड हो रहा था. उसको लग रहा था कि ये सुइसाइड कमिट करना ही होगा, अगर मैं यहाँ से छलांग लगाता हूँ तो मरूंगा ही. उसको तो अपने पंखों पर भरोसा नहीं था. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, threatening to let him starve on his sledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. देखिए क्या हुआ कि उसके जो मम्मी पापा थे ना, वो उसको बुलाने के लिए वहाँ पर आ रहे थे, है ना. कैसे? श्रीली, तीखे स्वर से चिल्ला रहे थे, बहुत ही तीखे स्वर से वो वहाँ से उसको बुला रहे थे कि आप उड़ जाओ उड़ जाओ. अब ब्रेडिंग हिम का मतलब होता है स्कोल्डिंग, मतलब कि वो उसको डांट भी रहे थे, स्कोल्डिंग कर रहे थे, है ना. थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना. तो वो किस चीज़ के लिए थ्रेटन कर रहे थे उसको? थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व. स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, है ना. तो स्टार्व ऑन हिज लेज, अपने उसी किनारे पर हम लोग तुम्हें भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे, है ना, जब तक तुम उड़ते नहीं. तो ये धमकी उसके फादर और मदर उसको दे रहे थे. इसको अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, कि देवर कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. जब तक उड़ नहीं जाते हम लोग यहाँ पे तुम्हें भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे, कुछ भी खाना वाना नहीं देंगे. और ऐसे वो तीखे स्वर में चिल्ला चिल्ला के और उसको स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन वो अपने जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, वहाँ से वो हिला नहीं. अब यहाँ पर देखिए कि उसको भूख उतनी ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन उसको अपने लाइफ की पड़ी थी कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगा तो मैं मर जाऊँगा, तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा, तो मैं खाऊँगा क्या, है ना. खाने के लिए ज़िंदा होना भी तो ज़रूरी है. तो ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में अभी चल रहा था फिलहाल के लिए, जब उसके बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी. आगे बढ़ते हैं. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. ये सारी जो स्टोरी है ये 24 आवर्स अगो, यानी एक दिन पहले की थी. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, अभी तक कोई भी तब से लेकर अभी तक नहीं आया था उसके पास. द डे बिफोर, एक दिन पहले क्या क्या हुआ था ये देखिए. ऑल डे लॉन्ग, पूरे पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले दिन उसने पूरे दिन क्या किया. उसने देखा वहाँ से, ही हैड वॉच्ड क्या, पेरेंट्स फ्लाइंग, उसके पेरेंट्स को उड़ते हुए, अबाउट विद हिज ब्रदर्स, किसके साथ, उसके भाई और बहन के साथ, और उनको परफेक्ट करते हुए आर्ट ऑफ फ्लाइट में, यानी उड़ने की कला सिखाते हुए उसके भाई बहनों को, और उन लोग को टीचिंग करते हुए यानी पढ़ाते हुए स्कीमिंग करना. स्कीमिंग का मतलब होता है कैसे आप देखते हो कुछ बर्ड्स को उसके ऊपर बैठ करके तैर रहे होते हैं, जैसे डक, डक को भी देखा होगा आपने, तो स्कीमिंग ओवर द सर्फेस ऑफ सी और ओशियन और वाटर. तो उस वेव के ऊपर कैसे वो स्कीमिंग करते हैं, एंड कैसे डाइव फॉर फिश, यानी मछली पकड़ने के लिए उड़ते आकर जल्दी से छलांग लगाकर एक मछली पकड़ लेते हैं और फिर से उड़ जाते हैं, तो ये डाइविंग होता है ना. तो ये सारे गुण उसके मम्मी पापा उसके भाई बहनों को सिखा रहे, और ये सब एक दिन पहले की बात थी, तब से लेकर अभी तक कोई उसके पास नहीं आया था. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवोर इट. हियरिंग एक काइंड ऑफ फिश है यहाँ पर, सॉफ्ट फाइन सी फिश, एक समुद्री मछली होती है जिसके काफ़ी बहुत सॉफ्ट और फाइन उसके जो फ्लैश होता है वो होता है. तो उसको पकड़ते हुए, यानी उसने ऐसा देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है, उसका बड़ा भाई, उसने क्या किया था, एक मछली को पकड़ लिया था, है ना. तो इस यंग सीगल ने एक दिन पहले अपने भाई को उसकी पहली फिश पकड़ते हुए भी देखा था, अपना पहला शिकार करते हुए भी, और उसको डेवोर कर लेना. डेवोर का मतलब होता है जल्दी से खा जाना. तो ये भी उसने देखा कैसे खा रहा था, वो बताया गया. देखिए, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पर खड़ा होकर, वाइल हिज पेरेंट्स जब, और ये जब खा रहा था तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे ये भी बताया गया है, कि उस दौरान उसके पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, यानी जब उसके भाई ने अपना पहला शिकार किया तो उसके पेरेंट्स खुश होकर के उसको एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे थे. वो लोग कैसे, उसके आसपास गोल गोल सर्कल करके घूम रहे थे, यानी उड़ रहे थे, और कैकल, प्राउड मतलब होता है गर्वान्वित, कैकल मीन्स खिलखिलाहट, एक बच्चे की हंसी को कहते हैं, ठीक है.
छोटे बच्चे की हंसी को, ये लाफिंग वर्ब है, तो कैकल उसको कहते हैं। यहाँ पर फिर भी एक चिड़िया के लिए यूज़ किया गया है, प्राउड कैकल, मीन्स के वो काफ़ी गौरवान्वित हो रहे थे कि हमारे बच्चे ने यहाँ पर एक अपना शिकार, पहला शिकार कर लिया। रेजिंग अ प्राउड कैकल, यानी एक प्राउड कैकल रेज कर रहे थे वहाँ से। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइस। देखिए यहाँ पर पूरी फैमिली ने एक दिन पहले क्या किया था, पूरे पूरे सुबह जो मॉर्निंग टाइम था, पूरी फैमिली उसके आसपास ही वॉक करती रही, है ना, कहाँ पर, उसके जो सामने, उस क्लिफ के ठीक सामने एक प्लेट्यू था, एक पठार था, और वहीं पर मिडवे डाउन यानी कुछ नीचे वहाँ से, यानी उसका जो क्लिफ था वो हायर पोजिशन पर था जहाँ पर वो बच्चा छूट गया था, और उसके ठीक सामने वो प्लेट्यू था जो उससे थोड़ा नीचे था, मिडवे डाउन, और उसके बिल्कुल अपोजिट यानी सामने ही, और वहाँ से वो लोग टॉन्टिंग भी कर रहे थे इसके ऊपर, कमेंटिंग कर रहे थे, सरकाज्म कर रहे थे विथ हिज कावर्डाइस, किस लिए, उसके कायरपन के लिए। कावर्डाइस का मतलब होता है कायरता, तो इसी चीज़ के लिए उसको वो लोग सुना रहे थे वहाँ से, काफ़ी कमेंटिंग कर रहे थे, टॉन्टिंग कर रहे थे, और ये नेगेटिव मोटिवेशन था ताकि वो उड़ जाए, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, यानी सूरज उग रहा था, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ उठना, तो सूरज ऑब्वियसली उग रहा था, मॉर्निंग हो रही थी, नेक्स्ट डे आ गया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके लेज पर, उसी किनारे पर काफ़ी तेज़ रोशनी फैला रहा था। दैट फेस द साउथ, और वो लेज कहाँ पे फेस करता था, साउथ की ओर, यानी उसका जो डायरेक्शन था वो साउथ की तरफ था, है ना। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, यानी प्रीवियस नाइटफॉल मतलब एक रात पहले नहीं, उसके भी एक रात पहले, यानी दो रात हो चुके थे, उसने अभी तक कुछ भी खाया नहीं था, और इस वजह से उसको वो गर्मी लग रही थी, नहीं तो वैसे मॉर्निंग की गर्मी बहुत तेज़ नहीं लगती है, फिर भी इस बच्चे को लग रही थी क्योंकि इसने दो दिन से कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, किनारे की ओर धीरे धीरे वो स्टेप बढ़ा करके धीरे धीरे आता है ब्रिंक पर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। यहाँ पर क्या हुआ कि किनारे की तरफ बढ़ते हुए वो धीरे धीरे चल के आता है, क्लिफ के पास खड़ा हो जाता है, कैसे, एक पैर पर, वन लेग, है ना, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़ा हो जाता है, और एक पैर को उसने हिडन अंडर हिज विंग्स, अपने पंख में छुपा लेता है। ये तरीका होता है बर्ड्स का खड़े होने का, आपने देखा भी होगा जब वो काम खड़े होते हैं कामली कहीं पर, तो वो ऐसे ही खड़े होते हैं। ही क्लोज्ड वन आई, एक आँख उसने बंद कर लिया, देन द अदर, और उसके बाद दूसरा आँख बंद किया, पहले एक आँख फिर दूसरा, यानी तिरछी नज़र से ज़रूर कहीं पर वो देख रहा था और कुछ प्रिटेंड कर रहा था। आगे देखते हैं। And pretended to be falling asleep, यानी कि वो सोने का नाटक कर रहा था, ऐसा लगा रहा था, मतलब दिखा रहा था, प्रदर्शित कर रहा था कि वो जैसे सो रहा हो। Still they took no notice of him, लेकिन बेचारे पर फिर भी किसी ने कोई नोटिस नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. देखिए क्या देखता है वहाँ से, देख एक आंख बंद करके दूसरे आंख को थोड़ा सा खोल करके उसने देखा दोनों भाई और बहन को लाइंग ऑन द प्लेट्यू, उस प्लेट्यू पर पड़े हुए आराम कर रहे थे वो लोग। डोजिंग का मतलब झपकी लेना होता है, तो वो लोग झपकी ले रहे थे अपने हेड्स को अपने नेक के अंदर डुबा कर, बर्ड्स करती हैं ऐसा, देखा होगा आपने, संघ का मतलब होता है डुबा लेना। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके जो फादर थे ना वो अपने हेयर प्रीनिंग कर रहे थे, फेदर्स को, अपने जो पंख थे उसको प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब होता है बनाना, ठीक करना, ठीक है। तो ऑन हिज वाइट बैक, यानी उसकी जो सफ़ेद पीठ थी उस पे जो फेदर्स थे उसको सही कर रहे थे। ऑब्वियसली वो अपने आप को बहुत ही हैंडसम समझते होंगे, तभी बाल बाल बना रहे थे, है ना, जोक्स अपार्ट। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, यानी सब अपने धुन में मस्त थे, कोई लोग कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, आराम कर रहे थे, फादर उसके अपनी बाल ठीक कर रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ थी जो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, कहाँ पर खड़ी थी वो, एक छोटे से हाई हम्प, यानी उस पठार पर एक थोड़ी सी ऊँची जगह थी, हाई हम्प का मतलब होता है उठा हुआ जगह, और वहीं पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी जो सामने का फेदर था वो वाइट कलर का था, थ्रस्ट फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर निकला हुआ, जो उसके ब्रेस्ट के पोर्शन थे वो आगे की तरफ निकला हुआ था, वाइट कलर का फेदरी। नाउ एंड अगेन, बार बार क्या करी थी वो, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या कर रही थी,
उसने उसके पैर के पास एक फिश पड़ा हुआ था और उसको वो बार 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 क्या करती, टोर यानी उसमें से टुकड़ा कोई निकाल ले रही थी, एक पीस उसका तोड़ ले रही थी और फिर अपने जो उसकी बीक थी, चोंच थी, उसको बार बार रॉक के ऊपर स्क्रैप कर रही थी। रॉक यानी पत्थर और स्क्रैपिंग मतलब होता है रगड़ना। तो बीक को वो शान लगा रही थी, धार लगा रही थी, तेज़ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, इस छोटे से बच्चे को जब उसने देखा ये भोजन का नज़ारा जो उसकी माँ उसको दिखा रही थी, तो ये बिल्कुल पागल हो गया। उस भोजन के नज़ारे ने इसको मैड कर दिया, पागल कर दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और ये तरीका बिल्कुल उसी का था जो उसको बहुत पसंद था, बहुत प्यार करता था वो इस तरीके से कैसे खाना वो खाता था, वो उसका अपना तरीका उसकी माँ उसको दिखा रही थी। जैसे ये बच्चा खाता था वही तरीका उसकी माँ उसको बार बार दिखा रही थी, कि मतलब वो उसको टेम्प्ट कर रही थी, लालच दे रही थी कि देखो तुम इसी तरीके से खाते थे ना, उसको याद दिला रही थी ताकि उसको भूख और तेज़ लगे। स्क्रैपिंग हिज बीक, बार बार अपने चोंच को ये शार्प करके खाता था। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसको तेज करने के लिए, वेट का मतलब होता है धार लगाना। तो ये वो तरीका उसकी माँ उसको दिखा रही थी। अब समझ में आया उसकी माँ क्यों बार बार ऐसा कर रही थी। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा कन्वर्सेशन होता है दोनों माँ और बेटे के बीच। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, ये बच्चा अपनी माँ से कहता है कि गा गा गा, लाइक कुछ उनके लैंग्वेज में उसको कन्वे करता है कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो, बेगिंग चिल्लाया वो, भीख लगभग भीख मांगते हुए अपनी माँ से खाने के लिए। अब उसकी माँ उसको क्या रिप्लाई करती है, गा कोल आ शी स्क्रीम्ड बैक, दोबारा से वो उसके जवाब में चिल्लाई डी रिसिवली। डी रिसिवली का मतलब होता है बिल्कुल ही उसको मूर्ख समझते हुए, यानी तुम गधे हो आके खुद ले लो, ऐसे ही कुछ कहा होगा उसने। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, यानी वो सैड रिक्वेस्ट बनाता रहा, बार बार वो बुलाता रहा उसको, बहुत ही सैड रिक्वेस्ट के साथ दुखी मन से वो उसको बार बार बोलता रहा, बेगिंग करता रहा कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, एक या कुछ मिनट के बाद ही उसके मुंह से बहुत ही जॉयफुल स्क्रीम निकल गई, एक बहुत ही खुशी वाली चीख। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ वो क्यों चीखा देखिए कि उसकी माँ अपने चोंच में एक पीस मछली का एक टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ उड़ते हुए आई, और यही देखकर वो इतना खुश हो गया कि उसके मुंह से एक जॉयफुल स्क्रीम निकल गई। ही लीन्ड आउट, वो आगे की तरफ झुका अपनी माँ को आगे आते हुए देख करके। लीन्ड आउट का मतलब होता है आगे की ओर झुकना। सो ही लीन्ड आउट ईगरली, ईगरली मतलब बहुत ही उत्सुक होकर वो आगे की ओर झुका। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, उस पत्थर पर अपने पैर को टैप टैप करते हुए आगे की ओर बढ़ा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उसके और नज़दीक आने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा, शी फ्लू, वैसे ही वो फ्लू अक्रॉस का मतलब दूसरी ओर उड़ गई। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही ठीक उसके पास थी, बिल्कुल सामने थी, अपोजिट का मतलब ठीक सामने, आमने सामने थे दोनों, शी हॉल्टेड, उसने क्या किया, हॉल्ट ले लिया, रुक गई थोड़ी देर के लिए। हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाना, थोड़ी देर के लिए ठहरना। तो शी स्टॉप्ड इन एयर, हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, कि देखिए वहाँ पर वो हॉल्ट जब हो गई, रुक गई थोड़ी देर के लेयर में, तो उसके मोशनलेस विंग्स हो गए, यानी उसके जो पंख थे वो फड़फड़ा नहीं रहे थे, वो रुकी हुई थी। द पीस ऑफ फिश, जो मछली का टुकड़ा उसके बीक में था, वो बिल्कुल उसके यानी जो यंग सीगल था ना, उस बच्चे के पहुँच में था, वो चाहता तो झपट कर उसे ले लेता। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, क्या हुआ कि पहले तो उसने क्वेश्चन सरप्राइज में रहा, यानी वो चौंक गया कि उसकी माँ उसके पास आ क्यों नहीं रही है। वॉन्डरिंग यानी वो सोच रहा था कि वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन, और तब, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि माँ उसको खिलाने के लिए आई है, और तब क्या हुआ, एंड देन मैडेंड बाई हंगर, भूख से पागल होकर वो भूल गया कि वो क्या कर रहा है, और खाने की तरफ ही डाइव्ड एट द फिश, भोजन की तरफ, फिश की तरफ वो छलांग लगा दिया उसने। डाइव्ड का मतलब होता है छलांग लगा देना। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, वो तो होना ही था क्योंकि वो कहाँ पर थी, क्लिफ पर। वो बच्चे ने ध्यान नहीं दिया कि वो एयर में थी और वो बिल्कुल किनारे पर था, और जैसे ही वो छलांग लगाया वो आउटवर्ड्स की तरफ और डाउनवर्ड्स की तरफ स्पेस में यानी एयर में नीचे की तरफ गिरने लगा, स्क्रीमिंग यानी चिल्लाते हुए। लाउड स्क्रीम मतलब ज़ोर से चिल्लाते हुए, फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, आगे की ओर कभी, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर और आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर, तो ऐसे पोजिशन में वो नीचे गिर रहा था उस क्लिप से।
अब स्पेस का मतलब होता है हवा, तो एयर में था क्योंकि अब वहाँ पे वो उड़ चुका था, हवा में था। अब क्या होता है देखिए, देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, थोड़ी देर के लिए उसको बहुत ही खतरनाक, मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है खतरनाक, टेरर मतलब आतंक, वो डर गया और डर से उस टेरर ने, उस आतंक ने उसको सीज कर लिया, जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका धड़कन बिल्कुल बंद हो गया, ऐसा हो तो नहीं सकता था लेकिन डर गया वो बहुत बुरी तरह से, और कुछ क्षणों के लिए इस डर के आतंक ने उसको सीज कर लिया, जकड़ लिया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो डर था, ये आतंक था, सिर्फ एक मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए रुका। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण क्या हुआ, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि उसका जो पंख था वो बाहर की ओर खुल रहा था, फैल रहा था, स्प्रेड आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर फैलना। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, उसके जो ब्रेस्ट के पंख थे, फेदर्स थे, उसके अगेंस्ट, उससे टकरा रहे थे, रश कर रहे थे, रश मतलब टकराना, जो हवा थी वो उसके ब्रेस्ट फेदर्स से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टोमक, फिर उसके बाद उसके पेट से भी टकरा कर निकल रही थी हवा, और वो कहाँ फील कर रहा था, अपने पंखों के अगेंस्ट उस हवा को फील कर रहा था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब उसके जो पंख थे उसके टिप्स यानी उसके जो किनारे हैं, बाहरी किनारे, उसके अगेंस्ट वो हवा को कट कर रहे थे, यानी उड़ान भरने के समय ऐसा होता है कि बाहरी जो सिरा होता है ना पंख का, वो हवा को काटते हुए उड़ता है, तो ये तरीका वो फील कर पा रहा था कि उसके साथ हो रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था, हेड लॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल, तो अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था बल्कि उड़ रहा था। ही वॉज सोरिंग, वो फ्लाई कर रहा था, सोरिंग का मतलब फ्लाइंग, ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, कैसे कैसे फ्लाइंग कर रहा था, ग्रेजुअली, कभी डाउनवर्ड्स नीचे की ओर और कभी बाहर की ओर, धीरे धीरे वो उड़ना सीख रहा था वहाँ पर। अब क्या होता है, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको अब सिर्फ चक्कर आ रहा था, डिजीनेस का होता है थोड़ा सा चक्कर आना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, एक बार उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और सोर्ड अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 कोल आ, हिज मदर स्वूप पास हिम, ऐसा कहते हुए उसकी माँ स्वूप पास मतलब उड़ते हुए, छलांग मारते हुए वहाँ से निकल गई, है ना। अब वहाँ से वो गुजर करके, ये उसको स्क्रीन करके खुशी से उसको बोलती है कि गा 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 गाओ कोला, मैं भी कहती होगी कि लगे रहो। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़, और उसके जो पंख थे ना वो काफ़ी तेज़ शोर कर रहे थे। ही एंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने अपनी माँ को दोबारा वैसे ही चिल्लाकर जवाब भी दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके फादर उसके ऊपर से स्क्रीमिंग करते हुए, वो भी चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ करके गए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, अब उसने देखा कि उसके आसपास उसके दोनों भाई और एक बहन उड़ रहे थे, करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, ये सारे फ्लाइंग वर्ब्स हैं, ठीक है। और तो वो क्या क्या कर रहे थे, कौन कौन से करतब दिखा रहे थे उसके भाई बहन, करवेटिंग, करवेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी छलांग की तरह, है ना। और बैंकिंग, बैंकिंग मतलब लाइक फ्लाइंग विथ वन विंग हायर एंड देन अदर विंग लोअर, एक पंख को ऊपर करके और एक पंख नीचे, कैसे जेट उड़ान भरता है और मुड़ने के समय कैसे तिरछा हो जाता है, तो वैसे उसको कहते हैं बैंकिंग। एंड सोरिंग, सोरिंग का मतलब होता है इधर उधर उड़ना। एंड डाइविंग, और डाइविंग मतलब डाइव मार के जैसे फिश निकाल लेते हैं, छलांग लगा कर नीचे की ओर डाइव कर लेते हैं, तो ये सारे करतब उसके भाई बहन अगल बगल में कर रहे थे, ये सब उसको दिखा रहे थे कि देखो हम ऐसे उड़ रहे हैं, तुम भी यही ट्राई करो। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो बिल्कुल भी भूल गया था कि वो कभी भी उड़ने में असक्षम था, यानी थोड़ी देर पहले उसको उड़ना नहीं आता था। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly, यानी तेज़ चिल्ला के, तीखे स्वर में खूब तेज़ चिल्ला करके वो क्या कर रहा था, commended, commended मतलब तारीफ़ किया उसने अपनी ही, खुद की तारीफ़। He commended himself to dive, वो क्या करने के लिए अपनी तारीफ़ कर रहा था, dive, soar and curve, ये तीनों चीज़ें वो कर पा रहा था, तीनों आर्ट ऑफ फ्लाइंग उसके अंदर आ चुकी थी और इसलिए वो खुद की तारीफ़ कर रहा था चिल्ला चिल्ला कर। He was near the sea now. अब वो कहाँ पर था, समुद्र के पास था, यानी नीचे, flying straight over it, उसके ठीक ऊपर में straight, सीधे की ओर उड़ रहा था, facing straight out over the ocean, यानी आगे की तरफ समुद्र फैला हुआ था और सीधे वो उसके ऊपर उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him. उसने देखा एक बहुत ही विशाल
हरा समुद्र उसके ठीक नीचे, विथ लिटिल रिजेस, थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे वेव्स आते हैं ना समुद्र पर, ये वो देख पा रहा था. रिजेस मतलब जो उसके वेव्स होते हैं, करंट मूविंग ओवर इट, यानी ये जो वेव्स थे ये उस समुद्र के ऊपर हिल रहे थे, मूविंग कर रहे थे, है ना, आ रहे थे जा रहे थे. एंड ही टर्नड हिज बीक, उसने अपने बीक को मुड़ाया साइडवेज, कहाँ, तिरछे साइड में. एंड काउड अम्यूजली, चौंक करके वो चिल्ला पड़ा, है ना. अम्यूज्ड का मतलब होता है चौंक कर, काउड मीन्स चिल्ला देना. तो चूंकि अपने उसके अपने बीक को तिरछा करके उसने तुरंत से चिल्लाया, क्योंकि उसके नीचे उसको दिख रहा था हरा समुद्र, उसको पता नहीं था कि अब क्या करना है ना, इसलिए वो चौंक कर चिल्ला उठा. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके सामने जो green flooring थी, green flooring कहा जा रहा है हरे समुद्र की flooring, यानी वो लग रहा था flooring है, वहाँ पर बिछा हुआ है, बिल्कुल floored है, लेकिन वो ऐसा था नहीं, वो तो समुद्र था. तो ये कहा जा रहा है कि उस green flooring पर अब तक उसके parents और भाई बहन landed, यानी उसके ऊपर land कर चुके थे, तैर रहे थे. They were beckoning to him, वो उसको भी बुला रहे थे. beckoning का मतलब होता है call करना, to call, calling shrilly, तीखे स्वर में चिल्ला चिल्ला कर. He dropped his legs to stand on the green sea. अब उसने भी कोशिश की, उसको लगा कि ये हरा समुद्र है, इसके ऊपर मैं खड़ा हो जाऊँगा. तो जैसे ही उसने अपने पैर को उसमें डाला खड़े होने के लिए, to stand, उस हरे समुद्र पर, तब क्या होता है, His legs sank into it. उसके पैर उसके अंदर डूब गए. He screamed with fright. Fright का मतलब होता है fear, डर. तो वो डर के मारे फिर से चिल्ला उठा. And attempted to rise again, flapping his wings. और अपने पंखों को दोबारा से उसने फ्लैप करके उड़ने की, दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश की, क्योंकि वो डर गया, उसके पैर डूब गए. तो बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये अजीब तरह का एक्सरसाइज, ये उड़ने की जो आर्ट सीख रहा था, इसके वजह से वो बुरी तरह से थक चुका था. एग्जॉस्टेड मतलब होता है बुरी तरह से थक जाना. हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पैर उसमें डूब गए. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और अचानक से उसकी जो बेली है, पेट उसका, उसके ऊपर टच कर गया. एंड ही सैंक नो फार्दर, और इसके आगे वो डूबा नहीं, मतलब ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इसके ऊपर फ्लोट करने लगा, तैरने लगा. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड द बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. डॉग फिश भी एक समुद्री मछली है, तो उसके स्क्रैप्स यानी टुकड़े वो उसको ऑफर कर रहे थे. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, कह रहा है कि हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो तो डूब गए, लेकिन अचानक से उसकी बेली समुद्र पे टच कर गई और अब वो नहीं डूब रहा था, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट. और ये भी देखिए, जैसे अचानक से उसकी मदर ने उसको उसका ध्यान भटका करके उड़ना सिखा दिया, अचानक से वो गलती से उड़ना भी सीख गया और वैसे ही वो गलती से तैरना भी सीख गया. यानी जब उसके पेट टच किया तो वो फ्लोट करने लगा, वो गलती से ही हुआ था, वो इंटेंशनली उसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन वो अब तैर रहा था, उसने तैरना सीख लिया. और इसके बाद इसी खुशी के कारण उसकी फैमिली उसके आसपास स्क्रीमिंग कर रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी, प्रेजिंग मतलब तारीफ करना. एंड उन सब के बीक्स में, चोंच में छोटे छोटे टुकड़े थे डॉग फिश के, और वो ऑफर कर रहे थे उसको. कैसे हम लोग कुछ बड़ा अचीव करते हैं बच्चे घर में, तो सारे फैमिली मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं ना, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो वो बेचारे मिठाइयों की जगह पर फिश बांट रहे थे, फिश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उस छोटे से यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली थी, अपनी पहली उड़ान भर ली थी, उसने उड़ना सीख लिया था. तो कैसी लगी आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग स्टोरी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना. और लाइक इससे रिलेटेड कोई भी एनी क्वेश्चन यू हैव, प्लीज़ आस्क मी योर क्वेरी हेयर इन द कमेंट सेक्शन. एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और रेगुलरली वीडियोज़ डालूँ. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू, ईट हेल्दी, स्टे वेल्दी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.